सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पोको के लेटेस्ट से भी लेटेस्ट पोको लॉन्चर 4.0 के अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोको लॉन्चर 4.0 का अपडेट है, वो मैंने अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करके रखा है और इसको साथ में हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं शाओमी के सिस्टम लॉन्चर से कि आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंस है ना वो देखने को मिलते हैं। पहले पोको लॉन्चर है वहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट यहाँ पर हुआ करती थी सिस्टम लॉन्चर से, लेकिन अब आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर सिमिलर है ना वो देखने को मिलती है। आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग रेडमी पोको इनमें से कोई भी डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो और वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का, तो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ पोको लॉन्चर 4.0 अपडेट के बारे में और शाओमी के सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के बारे में। तो पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो होम स्क्रीन का जो लेआउट है ना वो आप लोगों को दोनों के अंदर यहाँ पर सेम ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को वॉलपेपर का जो यहाँ पर सेक्शन है ना वो देखने को मिल जाता है, मतलब कि थीम एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो आप लोगों को सारे जो विजेट्स है ना वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक भी पोको लॉन्चर 4.0 अपडेट के अंदर MIUI 13 के जो विजेट्स है ना वो यहाँ पर एड नहीं किए गए हैं, लेकिन अपकमिंग अपडेट के अंदर एड यहाँ पर किए जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग का जो आइकन है ना वो देखने को मिलता है दोनों के अंदर। अब आप लोग देख सकते हो दोनों का जो लेआउट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलता है, एकदम डिटो आप लोगों को सेम देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पर मोर के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोको लॉन्चर 4.0 का जो अपडेट है ना इसका लेआउट है वो पूरा आप लोगों को शाओमी का जो सिस्टम लॉन्चर है इसकी तरह देखने को मिलता है। दोनों के आप लोगों को जो डिफॉल्ट लॉन्चर है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, पोको लॉन्चर वर्सेस सिस्टम लॉन्चर। और यहाँ पर आप लोगों को एप ड्रॉवर का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग है ना वो यहाँ पर अलग देखने को मिलती है, यूनिक देखने को मिलती है, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग एप वोल्ट है उसको चूज कर सकते हो एप वोल्ट के अंदर वर्सेज गूगल डिस्कवर के अंदर, और यहाँ पर भी आप लोगों को यही ऑप्शन है ना वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और भी आपको काफी सारे सिमिलर फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला फीचर है वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है, लॉक होम स्क्रीन लेआउट ये भी आपको सेम मिलता है। और आइकन साइज है ना वो पहले आप लोगों को यहाँ पर शाओमी की सिस्टम लॉन्चर थी उसी के अंदर देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमारा जो पोको लॉन्चर 4.0 का अपडेट है जो कि 2 साल के बाद में यहाँ पर आया है इसके अंदर भी आप लोगों को ये वाला फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में जो कि आपको मिलता है होम स्क्रीन लेआउट, तो यही आप लोगों को दोनों के अंदर यहाँ पर सेम देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ज्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं है। ग्लोबल आइकन एनिमेशन, कुछ लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको अगर आप लोग यहाँ पर ऑन कर देते हो तो आपके डिवाइस के अंदर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना उनके अंदर भी आप लोगों को जो एनिमेशन है ना वो देखने को मिलती है, जैसे कि टेलीग्राम में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही है सो इसके अंदर भी आप लोगों को जो एनिमेशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। सो एक बार वापस से इसको ओपन कर लेते हैं और वापस से कुछ चीजें रह गई हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर गाइज आप लोग देख सकते हो डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, यहां पर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन है ना वो देखने को मिलता है, लेकिन शाओमी का जो सिस्टम लॉन्चर है ना इसके अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके का ये चेंज है ना वो देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग इसको यहां पर ऑन कर देते हो सो अगर आप लोग डबल प्रेस करते हो ना अपनी होम स्क्रीन के अंदर सो होम स्क्रीन है वो यहां पर ऑफ हो जाएगी, लेकिन आपका जो सिस्टम लॉन्चर है इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का जो चेंज है ना वो देखने को नहीं मिलता है। तो वापस से एक बार ओपन कर लेते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड जो फीचर है ना वो देखने को मिलता है पोको लॉन्चर के अंदर, जो कि सिस्टम लॉन्चर के अंदर बहुत ही पहले यहाँ पर आ चुका है। सो अगर आप लोग पहचान चुके हैं कौन से वो फीचर है सो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ, अरेंज आइटम इन रिसेंट सिस्टम लॉन्चर के अंदर तो ये वाला अपडेट है आपको काफी पहले मिल गया था, मतलब कि 4 वाला जो लेआउट है ना वो इस तरीके का देखने को मिलता है और ये काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन है, काफी लोग यहाँ पर इससे परेशान हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को पता है शाओमी की तरफ से बहुत ही पहले यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है ना वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए, सो ये अब आप लोगों को यहाँ पर पोको लॉन्चर है इसके अंदर भी देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ कुछ आप लोगों को सैमसंग का जो वन UI है उसकी तरह देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, इजी टू यूज फीचर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और नया चेंज है ना वो मिलता है ब्लर एप प्रीव्यू, सो ये फीचर किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में आप लोगों को
बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लो कैमरा है ना, उसको मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैं कैमरा एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे रिसेंट के अंदर इसको जाता हूँ, सो यहाँ पर ये ब्लर हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लर हो चुका है, लेकिन YouTube है ना वो आप लोगों को ब्लर देखने को नहीं मिलता है। एक बार मैं आपको YouTube है वो भी ब्लर करके दिखा देता हूँ। अब मुझे नहीं पता है ये फीचर किस काम का है, लेकिन ये भी आप लोगों को एक छोटा सा चेंज है ना वो देखने को मिलता है इसी सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के अंदर। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यूट्यूब को भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, और अब आप लोग देख सकते हो YouTube भी आप लोगों को यहाँ पर ब्लर देखने को मिलता है। सो इसी तरीके के आप लोगों को जो चेंजेस है ना वो यहाँ पर पोको का जो पोको लॉन्चर 4.0 का अपडेट है इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। गैलरी और प्ले स्टोर है इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। सो आप लोग देख सकते हो गैलरी को तो मैंने ओपन करके नहीं रखा है, एक बार आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। सो इसको करते हैं क्लोज। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लर देखने को मिलता है, और यहाँ पर यूट्यूब ब्लर नहीं है। तो मैंने आपको सारे फीचर है ना वो यहाँ पर बता दिए हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर मोर की कैटेगरी है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और एक छोटा सा चेंज है शो मेमोरी स्टेटस, तो ये आपको पोको लॉन्चर है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में जो कि हम लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पर पता चलता है उन चेंजेस के बारे में जो कि आपको मिलता है ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो रेडमी और MI के जो फोन है ना उसके अंदर आप लोगों को कितनी यहाँ पर स्मूथ एनिमेशन है ना वो आप लोगों को देखने को मिलती है, चाहे वो यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप हो, चाहे वो यहाँ पर गूगल के यहाँ पर एप्स हो, या फिर वो आपको थर्ड पार्टी एप्स हो, सभी के अंदर आपको एनिमेशन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिलती है। और इसी तरीके से आप लोगों को जो एनिमेशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है आपके पोको लॉन्चर 4.0 अपडेट के अंदर। पहले इस तरीके की जो एनिमेशन ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप लोग देख तो कितना ज्यादा आप लोगों को स्मूथ है वो देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको यहाँ पर कम स्पीड के अंदर ट्राई करवाता हूं। तो गाइज आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया इस तरीके से आप लोगों को चेंजेस है ना वो देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोगों को ये जोकर का कमाल का HD क्वालिटी का जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर पसंद आया है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कहाँ से आप लोग इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर ये कमाल का लग रहा है। मैं बहुत दिनों से इस वॉलपेपर को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर इसको यहाँ पर यूज करना चाहते हो सो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आपको ओपन करना है। सहेज टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर थर्ड नंबर पे आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसका लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, सो इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। इसका भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में जो वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, सारी आप लोगों को औसम देखने को मिलते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर इतना कंपेयर करके बताना था कि आप लोगों को कौन कौन से यहाँ पर जो चेंजेस है ना वो देखने को मिलते हैं पोको लॉन्चर 4.0 अपडेट के अंदर और Xiaomi के यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर अपडेट के अंदर। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम को तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर ही लोगे। सो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।